सब्सक्राइब कीजिए ईएसए क्लासेस चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ राहुल कागने, ईएसए क्लास अहमदपुर एंड लातूर। आज का जो वीडियो है वो है लॉग के कैलकुलेशंस के ऊपर। अब सबसे पहले ये देखिए, ये यहाँ पर ये वाला इक्वेशन, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है मतलब इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को फ्लिप कर लेता हूँ, ये जो इक्वेशन है। सो ये 25 इधर और ये वाला जो है वो इधर आ जाता है। फ्लिप करने के बाद इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता, बस उसको लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में लेकर गया। उसके बाद ये 25 इसके नीचे चला आता है, ये देखिए इस तरीके से। और इस 45 का लॉग निकालना है। अब मुझे 45 का लॉग तो पता नहीं है, लेकिन हम एडजस्ट कर सकते हैं। हमको लॉग सिर्फ पता है इतने, इनको याद ही रखना है, 2, 3, 5 के। आपको ये याद रखना है कि सेकंड क्लास में आप फेल हो गए थे 30% लेके, थर्ड क्लास में आप पहली बार पास हो गए 47% लेके, और फिफ्थ क्लास में आप फर्स्ट क्लास आए थे 70% लेके, और सेवंथ क्लास में आपको 84% मिले थे। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब इस लॉग को मैं इस तरीके से 45 को 9 × 5 कर लेता हूं। अब लॉग ए इंटू बी का मतलब होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। देखिए ये लॉग ए प्लस लॉग बी लिख लिया मैंने, ये जैसा है वैसा ही रह जाता है। अब इस 5 का तो लॉग हमें याद है, लेकिन 9 का पता नहीं, लेकिन उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, 3² लिख सकते हैं। तो हमने इस 9 को 3² लिख दिया, क्योंकि हमको जिन लोगों के याद है लॉग ये, उन्हीं के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। अब हमने क्या कर दिया, इस 9 को 3² लिख दिया। अब ये लॉग ए रेज टू बी हो जाता है। अब ये लॉग ए रेज टू बी हो जाता है, तो हमको इसका फॉर्मूला पता है कि बी लॉग ए, मतलब ये बी इधर लॉग ए और ये लॉग 5 इधर वाला। तो हमने लॉग के रूल्स यूज करके ये जो है ये नंबर, इसको हमने इस नंबर में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इन द लॉग कैलकुलेशंस, और इसको प्रैक्टिस लगेगी करने के लिए। अब ये तो आगे का आसानी है। 2 लॉग 3 हमको याद है 0.47, उसके बाद है लॉग 5 0.7। अब तो क्या है आगे का, सिर्फ बहुत ही आसान है। ये देखिए हम इस तरीके से कर सकते हैं आगे, ये इनके वैल्यूज, ये आ गए इसका आंसर। अब आगे देखते हैं, आगे का कैलकुलेशन है ये वाला, ये नीचे वाला। तो ये क्या बोलता है, देखो यहां पर हमें इस एक्स का जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू वो निकालनी है। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, देखो फ्लिप कर लेता हूं। फ्लिप कर लेने का मतलब कुछ भी नहीं होता है, बस ये इक्वेशन की ये साइड इधर आ जाती है और इस साइड को हम इधर लिख लेते हैं, जिससे इक्वेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। ये देखिए इधर। अब हम इसके आगे क्या कर सकते हैं, इस 5 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो -5 हो जाता है, सो ये 20 हो गया। अब उसके बाद इस 6 × 2 को मैं इसके नीचे ले जाता हूं, क्योंकि इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इस साइड में वो डिवीजन में चले जाते हैं। अब उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, देखिए अब यहां पे हमने इस इक्वेशन को इस तरीके से इधर पकड़ लिया, ठीक है। ये देखिए इक्वेशन इधर आ गया, ये 5 इधर चला गया, सो ये इक्वेशन और ये फाइनल इक्वेशन हमारा ऐसा आ जाता है। अब हमने क्या कर दिया, इस लॉग को इधर ट्रांसफर कर दिया। लॉग को इधर ट्रांसफर करने का मतलब हमने देख लिया है कि लॉग एक्स इक्वल टू वाई है, तो एक्स इक्वल टू 10^y हो जाता है। सो सिंपली ये लॉग इधर आ जाके क्या करता है, ये इस तरीके से ये ऊपर उठा लेता है इसको, ये इसको सिर पे उठा लेता है, ठीक है। सो ये 10^2 हो जाता है। या फिर ऐसा भी होता है कि ये जो 10 है इसको एंटी लॉग भी बोलते हैं हम, क्या बोल सकते हैं बताओ, एंटी लॉग। तो इस तरीके से इधर हमारे पास जो आ गया है वो एंटी लॉग आ गया है, ठीक है। तब देखो
अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करते हैं वो देखना है। x इज इक्वल टू ये इतना आ गया, ये 20 और 10 रेस टू ये सब। अब 10 रेस टू इसका मतलब ही रहता है कि एंटीलॉग, ये 20 ये 20 और इस 10 का मतलब होता है एंटीलॉग, सो एंटीलॉग 5/12। अब इसे ठीक तरीके से देखना है हमको, देखिए क्या कर सकते हैं हम। इधर देखिए एंटीलॉग 5/12 इसकी वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, इधर ये इसकी वैल्यू, ये इधर निकाली जा रही है देखिए। तो इसका मतलब रहता है एंटीलॉग का मतलब 10^5/12, तो 5/12 का मतलब हो गया ये, इतना सब करने की भी जरूरत नहीं, 5/12 का मतलब होता है ये जो दिख रहा है ना ये इधर ही आ गया, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। सो एंटीलॉग 0.42 निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे का कैलकुलेशन, ये 0.42 हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट एंटीलॉग 0.42 इक्वल टू एक्स, तो ये एंटीलॉग इधर आके क्या हो जाता है, हर बार एंटीलॉग का कैलकुलेशन ऐसे ही करना है, लॉग एक्स इक्वल टू 0.42, ये देखिए इसका मतलब ये एंटीलॉग इधर जाके लॉग। अब हमको फाइंड आउट करना है कि एक्स क्या है, ठीक है, क्योंकि हमको ये एंटीलॉग 5/12 यानी ये उसकी वैल्यू है एक्स, तो इस एक्स को ही फाइंड आउट करना है। अब हमको पता है कि लॉग 2 की वैल्यू ये है और लॉग 3 की वैल्यू ये है और हमारी वैल्यू इतनी है, तो इन दोनों के बीच ही है। अब इन दोनों के बीच है तो सिंपल और जाहिर सी बात यह है कि ये 3 से देखिए किसके, इसके बहुत दूर है और इसके पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रफ कैलकुलेशन में है कि हमको प्रेडिक्ट करते आना चाहिए। देखिए ये 0.3 इधर है, 0.47 इधर है, तो इन दोनों के बीच में बिल्कुल हाफ में क्या आ जाता है, ये देखिए 30 और 47, 47 और 30 के हाफ में क्या आ जाता है, 17, 17 से कम कितने हो गए 8, फिर ये 38 आता है। अब ये 42 इसके भी आगे, मतलब ये इधर 42.42 इधर आ जाता है, ठीक है, तो इस नंबर के ये ज्यादा पास है, इससे थोड़ा दूर है, तो इसका मतलब इसके ज्यादा पास है, मतलब हमारा जो x है वो 3 के ज्यादा पास रहेगा या 2 के ज्यादा पास रहेगा, ऑफ कोर्स 3 के ज्यादा पास रहेगा, तो 2 और 3 के बीच में कौन आता है 2.5, सो ये 2.5 से भी बड़ा होगा और ये 3 से ज्यादा पास रहेगा, मतलब 2.9 नियरली। सो हमारी ये जो वैल्यू है 0.42 की वैल्यू लॉग 2.9 की वैल्यू आ जाती, तो यही हमारा है x और यही है ये इसकी वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू, ये देखो ये x इधर है और ये x मतलब कुछ भी नहीं है, तो ये इसकी वैल्यू है, इसकी मतलब इसकी वैल्यू है और ये मतलब कुछ नहीं है, ये देखिए ये है ये, ठीक है। किस तरीके से हमने एंटीलॉग का कैलकुलेशन रफली कर दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आपको ये याद रखना, इन दोनों के बीच में ये वैल्यू है तो हमारा नंबर भी इन दोनों के बीच रहेगा, लेकिन इन दोनों के बीच मतलब 2.5 नहीं, क्योंकि ये नंबर इसके ज्यादा पास है तो हमारा नंबर भी इसके ज्यादा पास रहेगा, मतलब 2.5 उसको छोड़ के 2.9 होगा, ठीक है। तो इसका तो आ गया, अब इसका आने के बाद आगे तो कुछ नहीं रहता, ये 20 ये 20 है और ये इसकी वैल्यू ये 2.7, ठीक है, इसकी वैल्यू 2.9 या 2.7 रहती है। अब देखो अब इसका तो कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू भले ही 2.7 आ जाएगी लेकिन हम 2.9 लिख सकते हैं, सो उतनी ज्यादा गलती नहीं होती हमारी, ठीक है, ये रफ कैलकुलेशन से आपको याद रखना है। अब आगे है ये वाला कैलकुलेशन, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है लेकिन ये दो जगहों पर x है। अब देखिए किस तरीके से हम करते हैं, अब ये फास्ट बताऊंगा मैं, क्योंकि ये लॉग है और ये लॉग है तो हम पूरे लॉग को एक साइड में कर देंगे और नंबर्स को इन्हीं जगह पर रहने देंगे, तो इस तरीके से हमारे पास ये लॉग इधर का जैसा है वैसे ही आ गया, उसके बाद ये लॉग प्लस है तो इधर आके देखिए ये माइनस हो गया,
उसके बाद ये log 12 है तो इधर आके देखिए माइनस हो गया, और ये 2.5 अकेला 2.8 अकेला था, अकेला यहीं पर अभी है। अब हम यहाँ पे log a माइनस log b का फॉर्मूला यूज करेंगे। log a माइनस log b क्या होता है बोलो, log a डिवाइडेड बाय b क्या रहता है बताओ बताओ, कमान log a डिवाइडेड बाय b रहता है। ओके तो इस तरीके से ये इधर डिवाइडेड बाय ये b, देखिए अब इस फॉर्मूले को यूज किया, फिर उसके बाद ये जैसा है वैसे ही रख दिया। अब आगे की स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे, देखो ये 5 ऊपर चला जाता है, ये 6 नीचे आ जाता है, तो सिंपली हमारे पास ये इक्वेशन आता है और ये 12 जैसा था वैसे ही है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो ये हो गया 10x, इधर से इधर मल्टीप्लाई किया ये 25x, 6x जैसा था वैसे ही। अब उसके बाद ये है log a और ये है log b, और एक बार वही फॉर्मूला यूज करना है, और उस फॉर्मूले को यूज करने के बाद हमारे पास जो आ जाता है देखिए क्या, ये देखिए इधर ये जो है ये log 12 इस a के बीच चला जाता है नीचे, log a डिवाइडेड बाय log log a डिवाइड बाय b, ये और ये b। ओके अब उसके बाद फिर इसको रीअरेंज करेंगे, ये 6x नीचे आ जाता है तो ये 72x हो जाता है। ये सब अरेंजमेंट हम log के फॉर्मूले यूज करके ही कर रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ये इधर देखिए log इधर जाके सिंपली क्या बन जाता है, एंटी log। देखो क्या बन गया, ये एंटी log बन गया। अब एंटी log 2.8 ढूंढना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो हमको आता ही है। इधर देखिए एंटी log 2.8 ढूंढना है, सो सिंपली मैं इसे क्या कर लेता हूं, ये सब करने की इतनी भी जरूरत नहीं है। इसको मैंने एंटी log 2.8 का मतलब लिख दिया, ये देखिए 10^2.8 मतलब 10^2 प्लस 10^2.8, या फिर हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, देखिए एंटी log 2.8 का मतलब होता है, एंटी log 2 प्लस 0.8, और हमने ये देखा है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंटी log, देखो एंटी log a प्लस b मतलब एंटी log a इनटू एंटी log b। अब ये एंटी log का मतलब होता है 10^2, तो ये कितना हो जाता है 100, ठीक है 100 इनटू एंटी log 0.8, बस इसको ही याद रखना है। तो यही क्या है, इधर जरा इनडायरेक्टली ये 100 ये इधर कर दिया, और उसके बाद ये इधर गलती हो गई, ये इनटू होना चाहिए, ये इनटू है, सो ये इधर क्या हो जाता है, ये इनटू एंटी log 6.8। अब एंटी log 6.8 कैसे निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए किस तरीके से निकाल सकते हैं हम ये 0.8। सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट एंटी log 0.8 का मतलब लिखेंगे x, तो ये जो एंटी log है इधर आके log बन जाता है, सो log x इक्वल टू 0.8। अब हमको ये पता है क्या पता है कि log x इक्वल टू 0.8 है, तो हम पहले देखेंगे इसके पास वाले किसके log है, log 6.77 है, log 7.84 है, तो 0.8 इन दोनों के ठीक बीच में आता है, तो हमारा x इन दोनों के ठीक बीच में आएगा, तो हमारा x क्या हो जाएगा 6.5, क्या हो जाएगा बताओ 6.5। तो एंटी log 0.8 का मतलब हो गया 6.5, कितना इसका आ जाता है 6.5 आंसर आ जाता है। ओके अब ये आ गया एंटी log 0.8 का मतलब 6.5 इधर इनटू होना चाहिए ये, सो ये जो आंसर आता है हमारा 6.5 इनटू 100, इसका मतलब है 650। अब ये जो 650 वैल्यू आ गई है वो किसकी आ गई है, इस एंटी log 2.8 की, तो हम इधर लिखेंगे क्या 650, और ये तो अब इक्वेशन है, इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
ओके।